is Devanshi Jaiswal and I hope you all are doing well. So today I'm at Greater Noida Sector 1 West to show you a property and the property name is Express Astra. आज जो ये property है वो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाने वाली हूँ along with the model and the sample flat. लेकिन उससे पहले location की बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो लैंडमार्क मिल रहा है हमें वो यथार्थ हॉस्पिटल का मिल रहा है, उसके जस्ट एडजेसेंट में ये प्रॉपर्टी है. अदर देन दैट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और 5 मिनट्स के ये डिस्टेंस पे हमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी मिल जाते हैं. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस दिस इज द मॉडल ऑफ द होल प्रोजेक्ट और अगर मैं पूरे डेवलपमेंट एरिया की बात करूँ तो दैट इज 6 एकर्स. और इस प्रोजेक्ट की बेस्ट पार्ट ये है कि माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, यानी कि वी आर नॉट गोना यूज एनी ब्रिक्स एंड दिस विल बी ऑफ हाई क्वालिटी. ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 फेज में लॉन्च हो रहा है जिसमें से फर्स्ट फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और हमें टोटल टावर्स जो है वो 10 मिल रहे हैं. अगर मैं बिल्डिंग की हाइट की बात करूँ तो वी गेट ग्राउंड प्लस 26 फ्लोर्स अलॉन्ग विद 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग. गाइज इफ यू टॉक अबाउट द क्लब हाउस तो क्लब हाउस का एरिया इज 40,000 square feet. दैट इज वेरी वेरी ह्यूज एंड वी आर गोना गेट ऑल द फैसिलिटीज लाइक स्टीम सोना, डांस एंड जुम्बा रूम, मिनी मूवी स्क्रीनिंग हॉल, टेम्पल, योगा रूम, बैंकेट हॉल, पूल टेबल, गेस्ट रूम्स, कार्ड रूम एंड मेनी मोर. So this is our 3 BHK sample flat और जो total area है इस unit का that is 2,005 square feet. So let's come on in and have a look. सबसे पहले जब हम enter करते हैं तो we get this lobby space जहाँ पे आपको enough space मिल रहा है कि आप अपना shoe rack रख सकते हैं या फिर आप इसको अपने हिसाब से decorate कर सकते हैं according to your preference, completely your choice. Well उसके बाद हमें space मिलता है living and dining area का. So let's have a look at there. कंप्लीट एरिया ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस इज 12x22 और अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करने की बात करें सो हियर वी हैव मैनेज 5 सीटर सोफाज एंड अलॉन्ग विद द कॉफी टेबल एंड डेकोरेटिव स्पेस. इसके जस्ट सामने ही आपको टीवी पैनल का एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी साइज का टीवी लगा सकते हैं बिकॉज द स्पेस इज ह्यूज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बालकनी, हमें लिविंग एरिया के जस्ट सामने ही जो है वो बालकनी मिल जाती है आपके फ्रेश एयर के लिए, नेचुरल लाइट के लिए और साथ ही साथ आप अपना अलोन टाइम जो है, पर्सनल टाइम जो है वो यहाँ स्पेंड कर सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द बालकनी, द साइज ऑफ दिस बालकनी इज 7x12 एंड द स्पेस इज क्वाइट नाइस, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. आप इस तरीके से ही इसको सजा सकते हैं प्लांट्स के थ्रू या फिर सिटिंग बना सकते हैं यहाँ पे. इवन यू कैन एड अ स्विंग एंड एन्जॉय योर पर्सनल टाइम ओवर हियर. हमारे लिविंग स्पेस के साथ ही जो हमें एरिया मिला है वो डाइनिंग स्पेस का मिला हुआ है एंड हियर वी हैव 6 सीटर डाइनिंग स्पेस. काफ़ी स्पेशियस है, आपके किचन से जो है वो जस्ट बाहर है, फ्रंट में है, तो होम मेकर्स को खाना सर्व करने में भी बहुत आसानी होने वाली है और अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. Come on in and see the modular kitchen now. Let us talk about the kitchen now. तो ये जो है वो हमें modular kitchen मिल रहा है along with the chimney and stove. And other than that, हमें यहाँ पे बहुत सारे cabinets मिल जा रहे हैं और नीचे भी आपको drawers मिल जा रहे हैं that has a specified space as well.
साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी दैट इधर जो है यहाँ आपको इनफ स्पेस मिल जा रहा है कि आप डबल डोर अपना फ्रिज जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं. यूजुअली सारे किचन में इतना स्पेस नहीं होता है बट दिस इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस किचन कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है. अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे बाहर हमें यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है. So after the kitchen, let's move into our bedrooms. और bedroom से पहले जो हमारा passage है उसकी बात करते हैं. ये passage जो है वो आपको 4 feet wide मिल रहा है. Along with that, इससे आपको जो connectivity मिल रही है वो आपके common washroom की भी मिल जाती है. I would also like to mention जो ceiling height है आपके पूरे के पूरे flat की, दस पूरे unit की जो ceiling height है, that is 10 feet. So it's very spacious and gives a more elegant look to your flat. Now let's move into our first bedroom. And then this is our first bedroom. If we talk about the size of this bedroom, that is 10 by 13. So it's very spacious. आपको यहाँ बीच में 6 by 6 का बेड मिल जा रहा है और उसके बाद भी you have enough walking space around. तो मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लगने वाला है. साथ ही साथ आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे आप अपना नाइट टेबल वगैरह लगा सकते हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव पीस रखना चाहें तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है. नाउ हियर वी हैव आवर वार्डरोब जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और अच्छी तरीके से हमने बनवा करके दे रखा है आपको. नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर अटैच वॉशरूम. The size of your personal washroom is 5x7 और उसके अलावा जो टाइल्स आपको मिल रही हैं वो बिल्कुल टॉप तक फिटेड मिल रही हैं, हाईलाइटेड टाइल्स मिल रही हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट द साइज ऑफ दीज टाइल्स आर 3x3, दैट मेक्स इट मोर एलिगेंट एंड मोर अपलिफ्टिंग. तो आपके पहले बेडरूम से अटैच जो बालकनी आपको मिल रही है, दैट इज़ योर रनिंग बालकनी, बिकॉज ये बालकनी आपके थर्ड बेडरूम, दैट इज़ योर मास्टर बेडरूम, उससे अटैच मिलती है. If we talk about the size of this balcony, that is 5x15. और अगर हम space की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा space मिल जाता है आपको. आप इसी तरीके से chairs लगा सकते हैं, coffee table लगा सकते हैं और अपने personal time को enjoy कर सकते हैं. So this was our first bedroom. Now let's move forward and check out the second bedroom. If we talk about the size of this room, that is 11x13, और 6x6 का बेड लगने के बाद भी you get enough space, walking area जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है. Along with that, we have wardrobe over here. काफ़ी ज़्यादा spacious wardrobe मिल रहा है आपको. And not only that, you have another cupboard over here. तो space जो है उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए and we have to care of that. Now bed के just सामने जो है वो कुछ इस तरीके से आप अपने room को, अपने personal room को organize कर सकते हैं. आप अपने according किसी भी size का TV यहाँ पर fit करवा सकते हैं और नीचे आपको जो है वो cabinets लगे हुए मिल जाएंगे. After that, let's talk about our personal washroom. The size of our personal washroom is 5x8 और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको बिल्कुल टॉप तक टाइल्स जो है वो फिटेड मिल रही हैं और ऊपर की जो सीलिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. सो दिस वॉज आर पर्सनल वॉशरूम ऑफ द सेकेंड बेडरूम. उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारी बालकनी की. So you get an attached balcony along with your second bedroom as well. If we talk about the size of this balcony, that is 5x15. Again, very spacious. और सबसे best part ये है कि इस flat में आपको हर एक room के साथ attached balcony मिल रही है. That makes it more breathable for us to live.
after first and second bedroom, let's talk about our master bedroom. The flooring of master bedroom is wooden flooring, and that is very classy and elegant. Other than that, here we have our personal washroom. The size of this washroom is again 5x8, and it's very spacious, and the tiles are fitted to the top. And then finally, we have our massive master bedroom. The size of this room is 12x16, and let me show you something. We have huge wardrobes here and have enough space to put in all your clothes, pakka. Other than that, we have a window over here. And if I talk about the positioning of this room, तो बीच में आपको बेड लगाने के बाद और साइड में नाइट स्टैंड एंड दिस कॉफी टेबल एंड दिस स्टडी टेबल, उसके बाद भी आपको इनफ वॉकिंग स्पेस मिल जा रहा है पूरे के पूरे रूम में. कंजस्टेड बिल्कुल भी नहीं है. एंड अदर देन दैट, वी हैव दिस बालकनी. ये बालकनी जो है वो आपके फर्स्ट रूम से अटैच है, दैट वी सॉ अर्लियर. एंड उसी के साथ हमारा मास्टर बेडरूम जो है वो कंप्लीट हो जाता है. वेल गाइज, दिस वॉज आर 3BHK सैम्पल फ्लैट. आई होप आप सभी को ये फ्लैट अच्छे से पसंद आया होगा और मैंने सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी होगी. और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो 2BHK फ्लैट का है, जो कि 1150 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 65 लाख प्लस है. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो 3BHK स्मॉल फ्लैट का है, जिसका एरिया जो है वो 1350 स्क्वायर फीट्स है और स्टार्टिंग प्राइस 75 लाख है. उसके बाद वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज 3BHK लार्ज, जिसका एरिया आपको 1570 स्क्वायर फीट्स मिलता है और उसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 90 लाख प्लस है. और जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा ड्यूप्लेक्स 4BHK का है, जिसका एरिया 2325 स्क्वायर फीट है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1.3 करोड़ है. सो गाइज, अगर अब हम फाइनली पोजीशन की बात करें, यानी कि अगर आप ये फ्लैट अगर खरीदते हैं तो ये कब तक आपको डिलीवर होगा, तो उसका टाइमिंग होगा मार्च 2026. यानी आपके पास बहुत सारा टाइम है. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट करके इस फ्लैट की बुकिंग करवा सकते हैं या आपके जो ऑप्शंस हमने आपको दिए हैं उसकी बुकिंग करवा सकते हैं. साथ ही साथ अगर कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आप ओवरव्यू चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइए. हम कोशिश करेंगे कि हम उस प्रॉपर्टी को भी कवर करें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो डोंट फॉरगेट द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.